नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को जरूर जानते होंगे, जो कि अपनी फियरलेस बैटिंग और कीपिंग से जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को अपनी गुरु मानकर उनकी राह पर चलने वाले राइजिंग स्टार ऋषभ पंत अभी टीम इंडिया का एक रेगुलर मेंबर बन चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऋषभ पंत को लेकर 8 ऐसी फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को देखना एकदम लास्ट तक। और उससे पहले, अगर आप अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साइड की बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ था, मगर उत्तराखंड में क्रिकेट कोचिंग की फैसिलिटी ना होने के कारण उनकी पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद स्कूल, कोचिंग ये सब के चलते पैसा बचाने के लिए उनकी फैमिली गुरुद्वार में भी रहा करती थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ऋषभ पंत की कोच का नाम है तारक सिन्हा, जो कि शिखर धवन और आशीष नेहरा का भी कोच रह चुके हैं। 12 साल की उम्र में पंत की खतरनाक बैटिंग को देखकर कोच ने राजस्थान की तरफ से अंडर-16 टीम में खेलने की ऑफर दिए थे, और इस तरह पंत राजस्थान के लिए भी खेल चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अंडर-19 टीम का हिस्सा होते हुए इसमें पंत का पहली बार मुलाकात राहुल द्रविड़ के साथ हुई थी, जो कि उस समय इंडियन अंडर-19 टीम का कोच थे। टीम का हर प्लेयर द्रविड़ के साथ मिलने के लिए एक्साइटेड थे और उनके साथ एक पर्सनल फोटो लेने के लिए उत्सुक थे। और उस समय पंत ने अपने आप को प्रोमिस किया कि जिस दिन वो सेंचुरी लगाएंगे उसी दिन जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। फिर पंत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल में सेंचुरी लगाई और मैच के बाद जाकर द्रविड़ के साथ फोटो खिंचवाए थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ऋषभ पंत के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स शुमार है। नंबर 1, हिमाचल के साथ T20 खेलते समय पंत ने मात्र 32 बॉल पर सेंचुरी लगा दी थी। फिर 2016 में इंडियन अंडर-19 टीम का सेमीफाइनल मैच में पंत ने मात्र 18 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगा दी थी। फिर 2016 और 17 के रणजी सीजन में पंत ने मात्र 48 बॉल पर सेंचुरी लगा दी थी, जो कि आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि पंत के गुरु महेंद्र सिंह धोनी है, और एक इंटरव्यू के दौरान पंत ने बताया है कि वो जब से IPL खेलना शुरू किया है तब से ही धोनी उन्हें गाइड कर रहे हैं। और पंत ने ये भी कहा था कि माई भाई मेरी हर प्रॉब्लम में मेरे साथ रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों 2017 की IPL चलते समय पंत के पिता का देहांत हो गया था, और सभी को लग रहा था कि पंत अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन उसी दिन अपने पिता का क्रियाकर्म काम मिटाकर पंत IPL खेलने चले गए थे। और उसी दिन पंत हाफ सेंचुरी भी जड़ दिए थे, और पंत की इसी महानता को उस समय सभी प्रशंसा भी किए थे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जब ऋषभ पंत ने अगस्त 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किए थे तो वो पहला ऐसा इंडियन प्लेयर हैं जो अपनी पहली इंटरनेशनल रन एक छक्का मार के स्टार्ट किए थे, और उस समय सभी प्लेयर आश्चर्य की नज़रों में पंत को ही देख रहे थे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ऋषभ पंत अपनी क्रिकेट आइडल लेजेंडरी एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक खतरनाक बैट्समैन के साथ साथ एक विकेट कीपर भी है। तो दोस्तों, ये रहा राइजिंग स्टार ऋषभ पंत के बारे में कुछ अनसुनी फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।